हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। हार्दिक पांड्या जो कि T20I वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया के उपकप्तान थे, माना जा रहा था कि रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद अब हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी जा सकती है, लेकिन हार्दिक पांड्या को कप्तानी ना देकर सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दे दी गई, जिसके बाद हर तरफ ये सवाल जरूर उठ रहा है कि हार्दिक पांड्या को आखिर कप्तानी क्यों नहीं दी गई। अब कल अजीत अगरकर और गौतम गंभीर जो कि एक चीफ सिलेक्टर हैं और एक हेड कोच हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने साफ किया कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस को देखते हुए भी हार्दिक पांड्या को कप्तान या उपकप्तान नहीं बनाया गया है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी इश्यूज भी हैं, हम ऐसा कप्तान देख रहे हैं जो हमारे लिए लगभग सारे मैचेस के लिए उपलब्ध हो, जिस वजह से सूर्य कुमार यादव को यहां पर कप्तानी दी गई है। अब फिटनेस तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े भी जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या का साथ छोड़ते हुए नजर आए थे। दोनों में से कौन बेहतर कप्तान रहा है अब तक T20I का, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हार्दिक पांड्या ने अब तक 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। इस दौरान 16 में से 10 मैचेस टीम इंडिया जीती थी और 5 में हार का सामना करना पड़ा था, एक मुकाबला वहां पर टाई रहा था। हार्दिक अगर T20 इंटरनेशनल्स में बतौर कप्तान विनिंग प्रतिशत देखें तो वो 62.50 है, 62.50%। अगर बात करें दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव की, तो उन्होंने अब तक 7 T20 मुकाबलों में भारत की कप्तानी की है और इस दौरान 5 मैचेस भारतीय टीम ने जीते हैं और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। और अगर इसी में बात करें सूर्य कुमार यादव की विनिंग परसेंटेज की, तो वो 71.42% यानी कि 71.42% विनिंग रेट है यहां पर सूर्य कुमार यादव का, जो कि हार्दिक पांड्या से बेहतर नजर आता है फिलहाल। हालांकि सैंपल साइज थोड़ा सा छोटा जरूर है, लेकिन सूर्य कुमार यादव इन आंकड़ों में भी आगे निकलते हुए नजर आए हैं, जिस वजह से शायद सूर्य कुमार यादव एक ज्यादा बेटर ऑप्शन लगे होंगे चीफ सिलेक्टर को भी। पेरिस की धरती पर खेलों का महामुकाबला, बुलंद है हौसला, जीतेंगे गोल्ड, लहराएगा तिरंगा, ओलंपिक का जुनून और जीत का जश्न देखे मेरे साथ। इंडिया मांगे गोल्ड, सिर्फ इंडिया टीवी पर।